don't forget to click on bell icon to get all latest updates. अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने पिछले साल घोषणा की थी कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रही है। इस किताब का नाम प्रियंका ने अनफिनिश रखा है। प्रियंका ने तय किया था कि वो अपनी इस किताब को 2019 में रिलीज कर देंगी, लेकिन अब तक ऑटोबायोग्राफी पूरी नहीं हुई है। प्रियंका कहती है कि लगता है कि किताब का नाम अनफिनिश्ड ही श्राप बन गया है, ये किताब अब तक पूरी नहीं हुई। प्रियंका बताती है कि मैं एक किताब लिख रही हूँ, मेरी ये किताब बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाली है। अगले साल मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैं सिर्फ 17 साल की थी। मुझे लगता था कि करियर के मामले में लड़कियों के पास कम समय होता है, तो सब कुछ जल्दी करना है। मुझे कहा गया था कि फिल्मों में लड़कियों का करियर 7 या ज्यादा से ज्यादा 10 साल का होता है, लेकिन आज 20 साल पूरे होने वाले हैं और मैं बैठकर बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। इसीलिए मैंने निर्णय किया कि मैं अपनी इस जर्नी और यादों के बारे में किताब लिखूंगी। प्रियंका कहती है कि इस किताब का नाम अनफिनिश्ड है, ये नाम रखकर ही शायद मैंने ही उसे श्राप दे दिया, पूरी ही नहीं हो रही। किताब का नाम अनफिनिश्ड इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने इस बीच टेक के बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने US में एक इंजीनियरिंग स्कूल में भी इन्वेस्ट किया है। ये स्कूल बच्चों से पढ़ाई के बदले फीस नहीं लेता, बल्कि जब उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब मिल जाता है तब उनसे पढ़ाई के खर्चे का एक निश्चित प्रतिशत पैसा वापस लिया जाता है। रही बात फिल्मों की, तो मेरे प्रोडक्शन की एक मराठी फिल्म पानी तैयार है जो रिलीज होने वाली है। उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। प्रियंका अपने इस किताब में खुद को एक फन, विद्रोही स्वभाव, बोल्ड और उत्तेजक इंसान के रूप में बताएंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहती है कि जो भी वे किताब पढ़े वो कहे, अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ। प्रियंका की हाल ही में फिल्म द स्काई इज पिंक रिलीज हुई है। फिल्म में प्रियंका के साथ फरहान अख्तर, जायरा वसीम और रोहन शराफ मुख्य भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।